राम। अच्छा साथियों, आप लोगों के बीच में एक नया नया एकदम करंट मैटर बिरहा लेके आइल बानी। हम लोग गीत बिरहा कलाकार गायक सुनील यादव केराकत जौनपुर की धरती से आप सभी श्रोता भाई भोजपुरी भाई बिरहा के सुनने वाले हृदय साथी लोग को हमारा हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन बा। हमके विश्वास बा जैसे आप लोग हर बिरहा के आशीर्वाद दे ला, वैसे ये बिरहा के भी आप लोग आशीर्वाद देबा सुनबा। और ये बिरहा यशयम म्यूजिक बड़े भैया संतोष मधुर जोगी गीत के मशहूर गायक कलाकार आप हैं संतोष मधुर जी, आपके चैनल पे हमारा बिरहा जा रहा है और आपके प्रणाम बा सब भाई लोग के नमस्कार प्रणाम बा। बिरहा का शीर्षक बा अग्निपथ पर नौजवान जल रहा है हिंदुस्तान। चार लाइन भूमिका के अंदर कहना हो, आइए। बज रहा है बिगुल क्रांति का देश में, शांति भंग कर रही नौजवानों की टोली, जोश जज्बात जिनकी जवानी जले, आ रही चप्पा चप्पा से इनकलापी बोली, भाग्य भारत का गर्दिश में ललकारता, रोके रुक ना रही क्रांतिकारी जवानी, वतन पे कफन वो लेंगे कसम से, सुनील भैया लाल लोकतंत्र ली बमानी। वतन पे कफन ओढ़ लेंगे कसम से, सुनील भैया लाल लोकतंत्र ले बमानी। आज देश के यमन चैन में खलल डालने वाली सरकार की योजना अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर बनने के लिए हमारे देश के युवा भारत के भविष्य खुद आज आग लगाने का काम कर रहे हैं। वारे हिंदुस्तान, इंडिया इज द गोल्डन वर्ल्ड, सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश में, सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश में आज हम आजाद हैं। आजाद हो करके भी आजाद नहीं है। कभी जी लिखत हुआ का लिखत हुआ एक लाइन कवाली के टुकड़ा भैया, कौवाली हो। किसी मासुका ने पूछा अपने आशिक से कि आप भी कभी प्यार किए हैं, हमसे पहले कभी आप प्यार किए थे, तो पले में इशारा हो वह जवाब दे रहा है आशिक का कि ऐसा पहली, हाँ जी ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहली
हमको किसी से प्यार हुआ है, हमको किसी से प्यार हुआ है, हमको किसी से लेकिन बिरहा में भाव भाव कभी जी लिखत हुआ कैसे भैया अज क्यों कैसे यह देश के नौजवान सीना ठोक करके जवान ललकारता है क्यों कैसे यह हाल हुआ है क्यों कैसे काजल लाल हुआ है क्यों कैसे यह हाल हुआ है मेरे देश हिंदुस्तान का हालात नौजवानों ने हाथ में क्रांति की ज्वाला लेकर के रोड पे उतर गए क्यों कैसे यह हाल हुआ है क्रोध में काजल लाल हुआ है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आदेश पर 14 जून को जो रात्रि में 12 बजे फरमाया गया कोई योजना लाने से पहले ए बुद्धिजीव लोगों को विचार करना चाहिए था विमर्श कर लेना चाहिए था 17 से 23 साल के जवानों को मात्र 4 साल की नौकरियां मिलेंगी देश का जवान सवाल करता है नजम है वतन की हाल युवा क्रांति से बदलती है वक्त की सुई जबकि बेवक्त चलती है याद गूगलो गोरों की कर लो गोरों की कहानी को याद कर लो जो हमारे देश को छलनी करने के लिए आए थे याद गूगलों की गोरों की तुम कहानी को आजादी लाए कुर्बानी कर जवानी को समय समय पर जब युवा ने जोश खोया है देश के जवान आज सड़क पे उतर गए हर बार तानाशाही देश में नहीं चलेगा राजतंत्र की तरफ फैसला लेना इस बार भारी पड़ गया क्योंकि जब 70 का मामला था किसान धरने पे बैठे थे 376 दिन लेकिन आज 17 और 23 का मामला है तब समय समय पर जब युवा ने जोश खोया है हुकूमत करने वाले बैठ करके रोया है समझ लो समझो हालात की नजाकत को समझ लो समझो हालात की नजाकत को चुनौती मिल रही है देश की अदालत को इस बात को भूल न जाएं फैसला करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी सोच विचार करके
ए योजना लाए अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर नाम से सुशोभित करे खातिर घोषणा कैलन। रात के 12 बजे, जब रात के 12 बजे 14 जून के घोषणा भइल कि जवान 4 साल के लिए नौकरी करेगा, उसका कोई पेंशन नहीं होगा, उसका कोई वेतन नहीं होगा, तो मेरे देश के जवानों के में खलबली मच गई। मेरे देश के जवान जब इतनी बात के सुनलन, ये बिरहा सुनने वाले बाबू अग्निवीर योजना सुन करके इतनी बतिया, हमारे देश के जवान खुद ही अग्नि के हवाले पूरी संपत्ति करे लगलन। बिहार में ट्रेन फूकी गई, अलीगढ़ में ट्रेन फूकी गई, नहीं चाहिए ऐसी नौकरी, हमको बदलना होगा, हमको बदलना होगा, क्योंकि बड़े घर के बेटे, बड़े नेताओं के बेटे कभी फौज में नहीं जाते हैं। कौन जाता है? गरीब किसान, मजदूर, बेरोजगार के बेटे दिन रात मेहनत करके, खून पसीना बहा करके जवान फौज में जाता है। अगर उसको 4 साल की नौकरी दिया जाए, नहीं जाएगा जवान, क्यों जाएगा? तर्ज लगे एक लाइन, कौन तर्ज हो? दोनों दुल्हन अपने दुल्हा के कहले बा, सैया जब आव तड़ा तो रउआ नशे में रह तड़ा। दुल्हा कहले बा, ए हमर धनिया हो, हे हमर सुगिया, इतारू हो अबजारू हो, कहता का दारू बजारू हो चढ़ जाला हो, तके हुए के नियत बिगड़ जाला हो, दारू बजारू हो चढ़ जाला हो, तके हुए के नियत बिगड़ जाला हो, दारू बजारू हो चढ़ जाला हो, तके हुए के नियत बिगड़ जाला हो, दारू बजारू हो चढ़ जाला हो, तके हुए के नियत बिगड़ जाला हो, चल चिखना के काम यही घुघुनिया पे, चल चिखना का काम यही घुघुनिया पे, घुघुनिया पे, ओ नोट बरसे ला तोहरा नथुनिया पे, नोट बरसे ला तोहरा नथुनिया पे, जब ही लावे लुका मर रहा नथुनिया पे, पेट पेट नेट लागू सब एग्जाम हो, पास कईले बिना ना लिखाला नाम हो, पेट पेट नेट एग्जाम हो, पास कईले बिना ना लिखाला नाम हो, पेट पेट नेट लागू सब एग्जाम हो, कौनो एग्जाम हो, बिना पास कईले नाम नहीं लिखल जाला ए भैया। लेकिन कभी जी बताओ तुम अपने बिरहा के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से, टेट पेट नेट लागू सब एग्जाम हो, पास कईले बिना ना लिखाला नाम हो, अंधा कानून भइल नेतागिरिया के, नेतागिरिया के, अंधा कानून भइल नेतागिरिया के, नेतागिरिया, लेकिन लागू कानून करा दा उमरिया के, लागू कानून करा दा उमरिया के, केहू फौजी रहे परिवरिया के,
पैसे की राजनीति करने के लिए कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं होती है, अंगूठा छाप ही नेता हो जाते हैं हिंदुस्तान में। और किसी तरह का परीक्षा हो तो उसको पास करना होता है, बिना पास किए हमारे देश के जवानों का नाम नहीं लिखा जाता, चाहे हाई स्कूल हो चाहे इंटरमीडिएट हो। वैसे कभी जी लिखते हैं राजनीति करने के लिए भी परीक्षा होनी चाहिए। दूसरा नंबर, परिवार का हर कोई सदस्य फौजी होना चाहिए। जो परीक्षा में पास होगा वही राजनीति करेगा। और हर परिवार के घर के लोग एक जवान फौज में होना चाहिए। ए भैया हो, जैसे प्रधानमंत्री की घोषणा को सुनकर के जवान देश की सरकारी संपत्ति को अग्नि के हवाले कर दिया, वैसे हमारे देश के जवानों को एक क्रांति उठाना होगा, एक मिसाल बनाना होगा, जो कि सरकारी संपत्ति को बेचकर भी प्राइवेट संपत्ति बना दिया गया है। ऐसी सरकार है हिंदुस्तान की। माननीय शास्त्री जी का यह नारा रहा, जय जवान जय किसान, लेकिन आज वह जवान और किसान कहां गए, बिरहा में तर्ज बदल गई। पहले से ज्यादा लगेली चकले बाकी दिए महीना में बनल बात पे नैहर में रहलू टूटी टिहरी ससुरवा में को तैलू ये लेकिन बिरहा में भाव लिखल गई। गुरुजी कितना बढ़िया भाव लिखत हुआ। नेता नौकर शाही पे कानूनी होखे भारी, नेता नौकर शाही पे कानूनी होखे भारी, शिक्षा स्वास्थ्य और मिले सरकारी, शिक्षा स्वास्थ्य और मिले सरकारी, छोड़ सस्ता के साथ सब योजना तो बदल संविधानवा हो भाई, छोड़ सस्ता के साथ सब योजना तो बदल सस्ता के सब साथ बदलल तब देखा संविधान वाले भारत पे सुधरी हमारा हिंदुस्तान वाले भारत पे सुधरी हमारा।
हमारे हिंदुस्तान में नेता और अफसरों को उचित व्यवस्था मुहैया कराई जाती है, उनके बच्चे को उचित शिक्षा का प्रावधान किया जाता है और गरीब लोग के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। ना तो उचित शिक्षा मिल पाती है, ना तो उचित व्यवस्था मिल पाता है। जो सरकारी स्कूल के मास्टर हैं, जब रिटायर होते हैं, सरकारी अफसर जब रिटायर होते हैं, तब उनकी पेंशन को खत्म कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। ए अग्निवीर जवानों के लोगों की यही मांग है, हम अग्निवीर बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन चेतावनी है। क्या चेतावनी है वीरों की? बिरहा में टेरी का लाइन लगा लवा भैया, अरे लहराई जब क्रांति के झंडवा अवनी अखंड अंबर गर्जन से थर्राई अरे थर्राई। अवनी अखंड अंबर गर्जन से थर्राई लहराई जब क्रांति के झंडवा। मेरे देश का नौजवान साथी ललकारता है, हम अग्निवीर बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो कानून होगा वो सबके लिए होना चाहिए। गरीब अमीर नौजवान बच्चे बूढ़े सबके लिए एक समान होना चाहिए। हर घर में एक फौजी होना चाहिए। ए भैया हो, बहुत हो गया लॉलीपॉप, झुंझुने वाली सरकार और वादा इरादा। सरकार साफ करे 2 लाख नौकरी हर साल देने का वादा किया था, कहां गया वादा? बेरोजगारी खत्म करने का वादा किया गया था, वो वादा कहां गया? हर हाथ को काम का वादा था, लेकिन केवल सब चुनावी है। तो सुनो, जवान भी तैयार है, कह रहा है जवान क्या पहपट के भाव लगल। लाली पाप में नहीं जवानी खपाई राही क्रांति के, अखौलल खून पर देखा अब तबाही राही क्रांति के। क्रांति ने नौजवान हो अपने हाथ जलावाला, अपन देखा चमनवा हो, पढ़ लिख के गवार बनल बस्या ही रही क्रांति के, हाहाकार में जनता करे त्राही रही क्रांति के। पढ़ लिख के गमार बनल बा स्याही राही क्रांति के, हाहाकार में जनता करे त्राही त्राही राही शांति के। मेरे देश के नौजवानों से ये संदेश है, पढ़े लिखे आप जवान है, लेकिन ये नुकसान करना तोड़ फोड़ करना मेरे देश के लिए हानि होगी, इसका खामियाजा हमी और आपको भरना होगा। आज देश के कोने कोने से विरोध में नौजवान रोड पर निकल पड़ा है, ट्रेन बस थाना सभी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर योजना नौजवान के हित में है तो माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री संवाद करके नौजवानों की विश्वास में लाए और विपक्षी राजनीति दल को रोटी सेकने में भारत की भविष्य को उकसा कर बर्बाद ना करें। ये भारत की कमजोरी है, हिंदुस्तान कमजोर हो रहा है, जवान टूट चुका है। आल्हा में कहना हो आवा भैया,
सोचा सरकार हो अब विचार कर फिर से भैया सरकार के फैसला से उ बाटे परेशान जेकरे हाथे हुए देश के तकदीरिया कुछ लोग जगह जगह पे जमावड़ा लेकर के बैठे हैं क्या कि समझ समझावे में अरे समझ समझावे में अरे चूक का ही हो गए भैया जय जवान जय किसान का नारा अमर था और अमर रहेगा। ए अहमबाजी बहमबाजी को भूल करके विचार किया जाए जो सही है। आज देश के नौजवानों से हाथ जोड़कर अपील है कि आप विरोध कर रहे हैं करिए, विरोध कर रहे हैं तो करिए, मगर देश की संपत्ति को नुकसान कर विरोध नहीं करिए। इसकी भरपाई खामियाजा हम ही को आपको भरना पड़ेगा। मेरे देश का जवान मजबूर है, मेरे देश का किसान मजबूर है। ऐसी हिंदुस्तान सरकार थी किसी को पता नहीं था, लेकिन अभी भी हम लड़ाई लड़ सकते हैं, अभी भी हम लड़ाई बैठे बैठे लड़ सकते हैं। हमारे पास समय है, आने वाला समय आपके सामने ललकारता है और 2024 का चुनाव आपके सामने है। जो भी फैसला लेना है सूझबूझ कर लेना, वरना हम यही गरीबों की यही दशा होगी। और युग को परिवर्तन करना होगा हमको, आपको संविधान को बचाना होगा। आखिरी लाइन में कहना खड़ी लगल भैया, वतन के धन के
की हक के लड़ाई लड़ाम अशांति या हिंसा या पनाई अध्यसवा के हालत बिगड़ दे हलस महंगा संविधान पे करा भी समास ही रवाम तो करी दुनिया तोहार उपहास ही मेरे वतन के फौजी वतन के जवान वतन के नौजवान से कहना है कानून और संविधान पे करा विश्वास हीरवा नहीं तो दुनिया तोहार करी उपहास हीरवा। आखिरी लाइन में कहना है कैसे भैया गुरु बिहारी गणेश चंद्र का वतन है सबसे प्यारा अवधू दाता राम दरस प्यारे लाल बात को बिचारा लहराई जब क्रांति के झंडवा सुनील भैया लाल कंधा से कंधा मिला।